नर्मदा वैदिक प्राइवेट स्कूल में प्रबंधन की मनमानी सामने आई है, जहां स्कूल की फीस जमा नहीं करने पर कक्षा पांचवीं की छात्रा को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों के साथ मीडिया कर्मियों से भी दुर्व्यवहार किया। परिजनों ने बताया कि छात्रा को प्रताड़ित किया गया। इस पूरे मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। हमारी बच्ची सुबह स्कूल आई थी, इन्हें बगैर मैम ने, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी फीस ड्यू है, पर मैम से हमारी बच्ची ने बहुत जिद करी कि मैम हमारे घर वालों को फ़ोन लगाइए, वो लेने आएंगे, हम अकेले नहीं जाते। मैम ने इन्हें ना अकेले भेज दिया। अर्जुन नगर में सबको मालूम है रेल ट्रैक है, और सुबह के टाइम में काफ़ी ट्रेनें भी फास्ट निकलती हैं। हमारी लड़की ट्रेन के सामने आते आते बज गई। सर व्हाट्सएप पर हमने ऑलरेडी मैसेज करा है काफ़ी 2-3 दिन पहले से कि फीस वगैरह पेंडिंग है, प्लस पेरेंट्स को भी कॉल किया है, और एक दिन पहले बच्ची को भी बोल दिया था कि कल बेटा मम्मी या पापा को लेकर आना। बच्ची को हमने, क्योंकि वो लोकल अकेली आती है, इसलिए सिर्फ हमने मेन गेट से उसको, मैम ने मना करा कि बेटा फीस नहीं है। उसने हमसे कुछ नहीं बोला इसके अलावा कि आप, हम मम्मी आने वाली हैं या तो फिर मम्मी पापा क्यों नहीं आए हैं मैम। इसके अलावा वो चली गई, वो अकेली ही आती है इसलिए अकेली ही बोला है मैम। इसके अलावा और कोई आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है, उसमें क्या मामला है? पेरेंट्स से अगर कोई शिकायत आती है तो हम स्कूल की जो भी बिंदु है, जिस बिंदु पर आप बात कर रहे हैं, वो उसकी जांच की जाए। कितने बार शुल्क प्राप्ति हेतु जो शिक्षण शुल्क है, जो संबंधित छात्रा के पालक के द्वारा जमा नहीं की गई है, उसकी प्राप्ति हेतु उन्होंने पालक को कितने बार पत्र लिखा है, ये संबंधित शाला संचालक को आपको बताना होगा, मुझे बताना होगा। और यदि वो बताने में असमर्थ रहते हैं तो ये अमानवीय व्यवहार है, छात्रा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था।